हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं राहुल सांगवान और मैं नूपुर गुप्ता। आज हम आए अलीबाग बीच पे जो कि मुंबई से 70 से 75 किलोमीटर दूर है। नूपुर, इस रोमांटिक वेदर को देखते हुए आपको क्या लगता है, हमें कैसा सवाल जवाब करने चाहिए पब्लिक से? जैसे कि एक रोमांटिक वेदर है तो मुझे लगता है कि हमें रोमांटिक सवाल जवाब ही करने चाहिए। तो हम पूछ सकते हैं लाइक शादी से पहले की लाइफ कैसी थी और शादी के बाद की लाइफ कैसी है? जनरली लोगों की शिकायत होती है कि पहले तो लड़का अच्छा होता है लेकिन बाद में काम नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में क्या चेंज आता है? मुझे क्या लगता है कि शादी से पहले एक लड़का कोशिश करता है शादी करने की, पर क्योंकि उसके बाद शादी हो जाती है तो कोशिश करने के लिए कुछ रहता नहीं है। मतलब आपने वही बात कर दी कि अगर एग्जाम पास हो गए तो फिर पढ़ाई क्यों करें? यस, एग्जैक्टली। चलो फिर अपन चलते हैं पब्लिक रिएक्शन लेने, उनसे पूछते हैं उनका सवाल। चलिए, ओके। आज मैं यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि शादी से पहले और शादी के बाद लोगों में चेंजेस आ जाते हैं, तो आपका उस रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि मतलब क्या चेंजेस आते हैं या वो चेंजेस क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जैसे कि जैसे मैं लड़का हूँ, शादी से पहले क्या होता है, हम लोग लड़कियों पर फुल ट्राई करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, मतलब अपना बेस्ट दे देते हैं, जो भी मतलब दोस्तों को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ सारा टाइम लड़कियों को। फिर लड़कियाँ जब पड़ जाती हैं उसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना अपना स्पेस ढूंढते हैं। हाँ, एफर्ट्स कम लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है कि शादी से पहले की लाइफ और रिलेशनशिप के पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? रिलेशनशिप के पहले लड़का हर चीज़ में लड़की को हाँ मैं हर वादे करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो लड़की बोलती है हाँ हाँ, पर शादी के बाद सब डिफरेंट हो जाता है हर चीज़ में। मुझे मम्मी पापा को देखती हूँ एक्सपीरियंस। इन्होंने मम्मी पापा के वादे देखे हैं आपने? मम्मी बताती है कि पापा ने ये वादे किए थे, वो वादे किए थे, पर अब कुछ नहीं। मम्मी बोलती है हाँ घूमने चलो, हाँ चलो, पापा बोलते हैं नाटक बहुत होते हैं, बहाने बहुत होते हैं, पैसे नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। शादी से पहले लाइफ होता है बहुत चार्मिंग, ऐसे लड़के बोलते हैं कि तुमको इधर लेके जाएंगे, तुमको उधर लेके जाएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन शादी के बाद सब ऑपोजिट हो जाता है। सब मतलब एक ही बेड पे सोते हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, एक ही हाउस में रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीपल आफ्टर मैरिज गेट इरिटेटेड ऑफ ईच अदर। जो शादी से पहले मतलब बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाता है लाइफ आफ्टर मैरिज। तो मतलब उनको पहले तो रेस्टोरेंट की दाल अच्छी लगती है, उसके बाद में दाल चावल किसी को अच्छा नहीं, तो बिरयानी और किसी को पसंद है, किसी को घर का दाल चावल पसंद ही नहीं आता है। तो और क्या चेंज आता है लाइक? ठीक है, ये चेंज आता है कि उसको वो लड़की हो सकता है, वो क्या रीज़न क्या होता है, वो बोर हो जाता है उससे या क्या रीज़न? इट इज़ वेरी ऑब्वियस यू गेट बोर्ड ऑफ द सेम पर्सन फॉर 10 साल, किसी एक इंसान के साथ आप नहीं रह सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब लड़कियाँ भी बोर होती हैं? ऑब्वियसली लड़कियाँ ह्यूमन बींग्स, अगर लड़के बोर हो सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों बोर नहीं हो सकते? आपके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शादी की एज 10 साल कर देनी चाहिए? नहीं, शादी ये करनी चाहिए कि जैसे लड़कों को कोई साइन नहीं रखते हैं ना आफ्टर मैरिज, दे डोंट पुट अ साइन ऑन देयर बॉडी, और लड़कियाँ मंगलसूत्र सिंदूर पहन के घूमते, दे शुड नॉट ऑल्सो डू एनीथिंग, दे शुड ऑल्सो। आपका कहना ये है कि वो लड़कियाँ मंगलसूत्र पहन के रखती हैं इसलिए उनका पता चल जाता है कि दे आर मैरिड। हाँ, लड़कों में पास कुछ होता नहीं है तो वो खुलेआम फ्लर्ट कर सकते हैं। भनक तक भी लगेगा कि अदर गाइस मैरिड और सब। ये रोडीज की नेहा धूपिया को फॉलो करती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शादी के बाद उनको लगता है कि अब तो पटी गई है, शादी हो गई है, तो अभी जैसे चल रहा है चलने दो। तो मतलब शादी के बाद लड़की नहीं जा सकती है? लड़की जा सकती है, बिल्कुल उसका जा सकती है। चॉइस है। तो क्या आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए उसे तब भी रखने के लिए? मेहनत करनी ये मेंटेलिटी होती है ना बॉयज की, मेहनत नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, लड़कियों का क्या है मतलब जैसे पहले हैं वैसे ही नहीं होता ना, अब जैसे नॉर्मल हो गया तो अपना अपना स्पेस भी थोड़ा होता है ना। अच्छा। ये चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्पेस आपको पहले से रखना चाहिए? हाँ, पहले से रखना चाहिए, बट ऑब्वियस है ना, अब लड़की को अटेंशन नहीं मिलेगा तो सही बात है, नहीं तो लड़की पटेगी कैसे? कुछ आप बताओ मिया, जो असली मजा है शादी से पहले ही है, उसके बाद तो सजा ही सजा है। शादी के पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब नहीं लगते। क्यों? अब क्या कपड़े नहीं पहनते अच्छे? पहनते हैं, पर सब पहले पूछ के पहनते थे, अब तो कुछ भी पहन लेते हैं। और पहले बहुत एक्टिव थे, अब बहुत लेजी हो गए हैं। लेजी हो गए? हाँ, पहले आपको वो इम्प्रेस करने के लिए एक्चुअली, और अब क्या, अब तो शादी हो गई ना, अब थोड़ी ना इम्प्रेस करना है, अब तो वाइफ है भाई, तो बस
अब थोड़े ना कहीं जाने हैं करते थे और शादी के बाद ही हमारी पहली आउटिंग है। क्यों ऐसा क्यों? मतलब अब लड़की पट गई तो अब उसे घुमाना नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, काम मतलब काम से आके। तो पहले एक साल में काम नहीं था? हाँ, तो कम मिलते थे ना, अभी सामने सामने तो मतलब घुमाना नहीं है, सामने सामने है घुमाना तो है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर 6 महीने में एक बार और साल में इतनी बार ऐसा क्यों? पता नहीं अभी ये किसकी, और कोई तो नहीं बताएगा आपके अलावा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है मतलब थोड़ा काम। जैसे ही झूठ बोल रही है वो? नहीं नहीं वो सच में, वो बराबर फ्यूचर प्लानिंग चल रही है ना उनकी। अच्छा, सेविंग्स एंड ऑल? क्या ये बराबर है? ये बराबर है, तो आप भी कोशिश करो फिर बराबर होने की। हाँ हाँ, अरे हमने अरे दोस्तों की शादी हुई है ना, देख लिया हमने। तो आपका क्या मानना, शादी नहीं करनी? अभी हम 5 लोग तभी तो आए हैं, एक आधे कट गए। इंडिया का कल ये घूमने आए हैं, कह रहे एक आधे कट गया, उनको घुमाने ले जाता नहीं है ना वो ले जाते हैं। अब मैं आपकी शादी को कितने टाइम हो गया सर? 25 साल। आपकी 25? नहीं मैं झगड़ा नहीं कराऊंगा। मैं अच्छा, आप भी आइए ना प्लीज, इधर आइए, पीछे आइए, आइए जल्दी आइए। वो 25 साल के आपको शादी को भी 25 साल हुए हैं? ओके चलो, बहुत मजाक था। आंटी आपको क्या लगता है, 25 साल पहले तो बहुत जमाना अलग था, आपने अंकल का चेहरा देखा था शादी से पहले? नहीं। देखो ये सीख होती है, ये क्या रिलेशन चल रहा है, इन्होंने अंकल को देखा भी नहीं था, दूसरे को नहीं देखे थे, शादी के बाद ही देखा था। हाँ। तो मतलब कैसा होता था, थोड़ा बताओ ना उस टाइम के अकॉर्डिंग। अरे एक ही कॉलेज में पढ़े हैं भाई हम लोग, मैं सीनियर हूँ इनसे, बहुत सीनियर हूँ। तो आप लोग मिले नहीं थे? नहीं नहीं कभी नहीं मिले ना, हम एक ही एरिया में रहते थे लेकिन कभी नहीं जानते थे हम लोग एक दूसरे को। जो बोल दिया उसी में हम तैयार हो गए, ये रहता था कि मम्मी पापा जो सेट कर दिए वही फाइनल होता था। तो फिर उसके बाद जैसे आप लोग मिले नहीं, फिर मिलना स्टार्ट हुआ शादी के बाद ही? मिला शादी के समय ही मिले, बस उसके पहले नहीं मिलते थे हम लोग। तो फिर आपको ये नहीं लगा कि मेरी इनके साथ जोड़ी जमेगी? नहीं अच्छी जमी है, देखिए इतने 30 साल से। नहीं वो तो हम देख ही रहे हैं, ये भाई इतना तंदुरुस्त खड़ा है। ये तो छोटा लड़का है, बड़ी लड़की 30 साल की है। अच्छा बड़ी लड़की है, बहुत अच्छी बात है। 32 साल के ऊपर हो गया हमारा शादी का, 33 साल हो गया। तो आज के नौजवानों को आप, आज के नौजवान देखो आजकल क्या लड़की देखते हैं, वो पहले फिर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। नहीं उसके बाद भी देखने के बाद, सुनने के बाद भी, साल दो साल संभालने के बाद फिर डिवोर्स हो जाता है। ये गलत है ना? हाँ ये गलत होता है, मैक्सिमम लाइफ में यही होता है। अंकल में क्या चेंज आया है जब शादी में 1-2 साल नए नए थे उसके बाद और अब 25 साल में? कोई चेंज नहीं है, जैसे थे अभी भी ऐसे ही है। एज, खाली एज में चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है भाई। स्वभाव में वही थे, अभी भी वही है। सारा प्यार तो यहाँ टपक रहा है। मोदी जी आप कहाँ घूम रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके मम्मी पापा में क्या चेंज आया, आप देखते हो जो शादी में, आपको कभी ऐसा लगा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ आज तक हम लोग में कभी नहीं झगड़ा हुआ, ना कोई बातचीत हुई, ना मैं बच्चे को डांटा। मैं आपके पैर छूना चाहूंगा अंकल, ये बहुत बड़ी बात है। गलती भी कोई कर लिए तो एक दूसरे से वापस में हम लोग ये कर लेते कि जो हुआ छोड़ो। सबसे बड़ी लड़ाई किस बात को लेके होती है आपकी? होती नहीं हमारे यहाँ, वही नहीं आज तक नहीं। बच्चे अपने में रहते हैं शांत बचपन से। 15 अगस्त आने वाला है, मैं भारतीय सरकार से अनुमति करूंगा कि इनको अवार्ड दें रेड फोर्ट पे बुला के, कि 25 साल में इनकी अभी तक लड़ाई भी नहीं हुई है। 32 साल हो गए। मेरी एंगेजमेंट को 7 महीने हुए और मैं 70 बार लड़ाई कर चुका हूँ अभी भी। मेरी नहीं, अब तो सोच लिया वही है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लड़ाइयाँ चलती रहती है। बहुत अच्छा लगा अंकल, आप क्या सीख देना चाहोगे बच्चों को आजकल? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना शादी करो हम लोग जैसे। अरेंज मैरिज बोल दिया, नो डाउट अरेंज मैरिज इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच आंटी, नमस्ते। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो? इफ यू लाइक्ड इट काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट। और दोस्तों ये भी बताइए, ये हमारी नई होस्ट नुपुर गुप्ता आपको कैसी लगी? अगर आप इनको प्यार दोगे, बहुत सारे कमेंट लिखोगे इनके बारे में, तो ये नए वीडियो में पक्का आएंगे, हम वादा करते हैं आपसे। और आपके घर में भी ऐसे मम्मी पापा या आपकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ होता होगा, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, तो वो भी आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ है, कि नया आइडिया, मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी लिखिए।